ग्रीन चटनी चली गई, मिंट वाली, मिंट वाली। ये सर इमली वाली खट्टी, इमली वाली खट्टी मिट्टी चटनी चली गई। क्या बात है आदिश, छोले डालेंगे इसमें ना, क्या बात है यार, जबरदस्त। ये सब चीज़ें आपको ट्राई करनी तो आपको कोफी यूट्यूब आना पड़ेगा, जो कि छोपास नहीं यासी रोड पे लोकेट, पनीर टोफू और कैरेट और बीन्स, ये सब जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है उससे एकदम ऑथेंटिक जो मोमोज होते हैं ना उसका टेस्ट मुझे आ रहा है, वाकई में काबिल तारीफ है यार। मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर ट्राई करी और दोनों एक से बढ़कर एक चीज़ थी। मुझे मोमोज भी इसकी जो स्टफिंग है टोटली डिफरेंट है, जो बाकी जगह जो मिलती है उससे एकदम टोटली डिफरेंट है। ऑथेंटिक मोमोज इन्होंने मुझे सर्व किया और शेजवान की चटनी तो एक नंबर है, वाकई में काबिल तारीफ है। चलिए बस इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल खवातीन हज़रात, मैं हूँ शादाब अली सैयद और आप देख रहे हैं शादाब टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार फिलहाल हम लोग यहाँ पे है सेंट्रल एकेडमी छोपा सिंह हाउसिंग बोर्ड पे और आज हम लोग आपको क्लब समोसा खिलाएंगे। क्लब कचौरी का तो आपने नाम का भी सुना होगा, वो अंकल को जैसे मैं क्लब कचौरी का नाम लेता हूँ आपको कोलकाता वाले वो गुस्से वाले अंकल याद आ जाते हैं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे कोलकाता वाली कचौरी नहीं, आपने यहाँ पे अभी कोको ईटरी है जो कि यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में लोकेटेड, उन्होंने क्लब समोसा स्टार्ट किया है। तो मैंने कहा क्यों नहीं यार, ये मेरे लिए नई चीज़ होगी और आप लोगों के लिए भी नई चीज़ होगी कि अभी आज हम लोग जोधपुर में क्लब समोसा भी मिल रहा है। तो चलिए सीधा वहाँ चलते हैं और वहाँ पे क्लब समोसा ट्राई करते हैं। उससे पहले मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपको जगह जहाँ हम लोग पूरी सर्च करके फिर हम लोग आपको नई नई जगह बताते हैं और आप सपोर्ट बहुत करते हैं, व्यूज़ बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए सीधा चलते हैं कोको ईटरी। वसुंधरा हॉस्पिटल है यहाँ, आपको याद होगा हमने वो वड़ा पाव वाले अंकल का बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त है, उनकी मिर्ची बहुत ज़बरदस्त है। तो बस हम लोग सीधा जा रहे हैं, सीधा यहाँ पे लेफ्ट साइड में चंदू रेस्टोरेंट है, इनका भी हमने बनाया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किए वो सारे वीडियोज़ सब। यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं, बस इसी रोड पर ही है कोको ईटरी और वहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे वो क्लब समोसा। यहीं के हैं यार, मेरे को उनकी क्या काट है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा। ये देखिए हम लोग यहाँ आए हैं, यही मैसेज ये कोको ईटरी और हम लोग इनका जो क्लब जो समोसा है वो हम लोग ट्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह क्या बात है, इन्होंने एकदम साफ़ सुथरा काट है और कोको के साथ इन्होंने एक डॉग का फोटो लगाया, तो मुझे लग रहा है कि इसी के नाम से इन्होंने अपनी ईटरी स्टार्ट की। चलिए चलते हैं बाहर और इनसे बात करते हैं क्या क्या इनके पास में और फिर आगे चल के बात करेंगे। तो बताया था कि आज हम लोग यहाँ क्लब समोसा ट्राई करना है। क्लब कचौरी तो आपने सुना होगा, वैसे यहाँ पे समोसा चाट के नाम से, लेकिन मैंने कहीं देखा था पोस्ट तो उन्हें क्लब समोसा बोला था, मैंने कहा चलो क्यों नहीं हम भी क्लब समोसा बोलते। तो आज हम लोग कोको ईटरी पर आए, कोको ईटरी जो है इनके यहाँ पर जो ओनर है उन्होंने मुझे पूरी इसकी स्टोरी बताई कि ये एक डॉग थी जिन्होंने अडॉप्ट किया था अपने दोस्त से, और वो क्या है कि अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम में एक्सपायर हो गई थी, तो उसी की याद में इन्होंने ये अपना कार्ड यहाँ पे स्टार्ट किया है और माशाल्लाह काफ़ी इन्होंने एकदम नीट एंड क्लीन ये काम करें। देखिए यहाँ पे आपको मोमोज ही मिल जाएंगे और ये इनका काउंटर देखिए कितना नीट एंड क्लीन है, इनके जो स्टोर है देखिए, इनका जो भी यूटेंसिल्स हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन है। सामने हमारे पास इनका मेन्यू देखें, स्टीम मोमोज आपको यहाँ मिल जाएंगे, फ्राइड मोमोज मिल जाएंगे, कुरकुरे मोमोज मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ समोसा चाट के ले आए हैं, जो कि मैं उसको बोल रहा हूँ क्लब समोसा क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था वो उसकी वजह से। उसके बाद समोसा आपको यहाँ मिल जाएंगे, सैंडविचेज इनके पास में रेड पास्ता है, फ्रेंच फ्राइज है और चाउमीन है। तो आपको यहाँ पे 50 रुपये से लेके 80 रुपये के आइटम मिल जाएंगे। तो हम लोग इनके जो समोसा चाट है वो ट्राई करेंगे, चलिए। और मैं सोचता हूँ कि मोमोज भी ट्राई करेंगे, इनके कुरकुरे मोमोज ही दो तीन से ट्राई करेंगे। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सकें। फिर भी मैंने आपको पूरी इनकी लोकेशन बता दी कि आपको यहाँ विकी के ढाबे से आप जब सीधा आएंगे तो बस यहाँ भी इनकी काट लगी हुई है। टाइमिंग क्या रहती है सर अपने? शाम को 6 से लेके रात को 10 बजे तक आपको यहाँ पे ये सर्विस देंगे। अच्छा जोमेटो भी आप लोग स्विगी पे सीधा? तो आपको अगर घर पे बैठे बैठे अगर समोसा चाट का मजा लेना है तो आप
जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि आपको दोपहर में ये सर्विस दे देंगे। तो सर जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोग आपके समोसा चाट ट्राई करेंगे एक तो, और एक हम लोग आपके कुरकुरे मोमोज ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पीछे, देखते हैं समोसा चाट कैसे बनाते हैं और फिर हम लोग हमारा रिव्यू देंगे। मेरे काफ़ी सारे वेगन जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक और यहाँ पे खुशखबरी है कि यहाँ पे जो भी फूड सर्व करें, क्योंकि ओनर खुद वेगन है, तो जो वेगन आप मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि वेगन फूड दिखाओ वेगन फूड दिखाओ, तो हम लोग यहाँ आए, पूरा इनका जो भी फूड है वो पूरा वेगन है। तो आप यहाँ पर आके जो भी हमारे वेगन सब्सक्राइबर्स हैं वो यहाँ के आपके लुत्फ उठा सकते हैं। उसके अलावा भी हम लोग टेस्ट करना है तो सब लोग ये चीज़ खा सकते हैं और बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होती है। तो चलिए बस हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं हमारा ये क्लब समोसा कैसे बनाते हैं और फिर हम लोग हमारा रिव्यू देंगे। चलिए इनका जो समोसा चाट है वो हम लोग ट्राई करेंगे। इनका जो बेस जो मेन जो इंग्रेडिएंट है वो मटर होंगे और उसमें ये पेपर ब्लैक पेपर वो सब यूज़ करके सिंपल से मसाले में इन्होंने बनाया अपना ये देखिए। प्योर जैन है, उसमें कोई भी नो गार्लिक नो अनियन कुछ भी एडेड नहीं, कुछ भी एडेड नहीं है, मतलब मसाले ऐड है अपने। तो प्योर जैन फूड आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि हम लोग ये भी ट्राई करें। तो अपना ये देखिए एक प्लेट में कितने समोसे आएंगे भाई सर? टू पीसेस आएंगे। ये देखिए समोसे एकदम गर्मा गर्म निकाल रहे हैं। आलू खट्टापन मिलेगा जी जी, खट्टापन भी मिलेगा। ये मतलब अपन जैसे घर में बनाते हैं वैसे समोसे होंगे ना? हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात बताई। और मुझे क्या घर वाले समोसे ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हम लोग नमकीन की दुकान पे खाते हैं तो खटास उसमें ज़्यादा होती है। ये क्या डाल रहे हैं आप? ये सर मसाला है, चाट मसाला। चाट मसाला है, ये सर ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी चली गई, मिंट वाली, इमली वाली खट्टी मीठी चटनी चली गई, क्या बात है आदिस। छोले डालेंगे इसमें ना, क्या बात है यार, जबरदस्त। ये सब चीजें आपको ट्राई करनी तो आपको कोफी इटली पे आना पड़ेगा जो कि छोपासनी यासीन रोड पे लोकेटेड है, विगी के ढाबे के आसपास है। पूरी लोकेशन हम लोग आपको मैंने बता दी है, फिर भी देखेंगे यहाँ कुछ फेमस होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये देखिए हमारा जो क्लब समोसा है, वैसे समोसा चाट है लेकिन कल क्लब समोसा हमने बोला है क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था, तो उसके हिसाब से देखिए फ्रेशली कट अनियन से है। चाट मसाला और डाला इन्होंने, थोड़ा सा नींबू टैंगीपन के लिए यार, थोड़ा गार्निश के लिए इमली की चटनी, तो ये हमारा क्लब समोसा रेडी है। चलिए इसको ट्राई करते हैं और ये आपको पड़ेगा 50 रुपये में दो समोसे ना, 50 रुपये में दो समोसे, क्या बात है यार। और चलिए साहब थैंक यू सो मच मुझे, तो ये देखिए हमारा समोसा चाट है वो रेडी है, क्लब समोसा। यूट्यूब पे हम लोग इनका जो क्लब समोसा है वो ट्राई करने के आए हैं। देखिए इनका सब समोसे देखिए देखिए, चलिए इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले इनके जो छोले हैं वो ट्राई करता हूँ मैं। यार छोले की आप बात करोगे तो एकदम प्रॉपरली इन्होंने इसको बॉईल किया और मुझे लग रहा है कि रात को इन्होंने देखो सोक करके रखे, जिसकी वजह से कि एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं, एकदम सॉफ्ट। अब इसको हम लोग समोसे के साथ में ट्राई करते हैं। समोसे की स्टफिंग की बात करेंगे तो एकदम सिंपल सी स्टफिंग जैसे मैंने आपको बताया था, और साथ साथ इन्होंने चटनी और जो नींबू का जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया
उससे और का टेस्ट बढ़ गया। सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये अलग टाइप का समोसा ट्राई करना है, बिकॉज नमकीन की दुकानों में क्या है कि बहुत ज़्यादा वो जो खटासपन और वो सेम, मतलब सब जगह आपको एक सेम टेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको डिफरेंट टेस्ट अगर समोसे का चाहिए तो आपको यहाँ कोको सिटी पर आना पड़ेगा, जो कि चौबासी हाउसिंग बोर्ड पर लोकेटेड है। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे एक चीज़ और लेंगे और फिर हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करेंगे। तो हम लोगों ने इनका जो समोसा चाट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अब शेफ हमारे लिए आप क्या लगाएंगे? मुझे मोमोज बहुत पसंद है, कौन से मोमोज लगाएंगे आप हमारे लिए? फ्राइड मोमोज लगाएंगे? अभी किसका लगा रहे हैं? हमारे लिए लगाएंगे। मैं पीछे आता हूँ एक मिनट। तो ये देखिए अब हमारी बारी है फ्राइड मोमोज की। इनका ऑयल गर्म हो रहा है और सबसे अच्छा मुझे क्या लगा कि इनका जो काट है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन है, तो जहाँ पर साफ़ सुथरा काम होता है वहाँ पर खाना खाने का मज़ा कुछ और होता है। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग इनके कुरकुरे मोमोज लेंगे, लेकिन आज वो स्टॉक में नहीं है, तो क्यों नहीं हम लोग इनके फ्राइड मोमोज ही ट्राई कर लेते हैं। इसके अंदर स्टफिंग क्या रहेगी शेफ? सर अपना सोयाबीन रहेगी, पनीर रहेगा टोफू वाला, हाँ, और बीन्स रहेगी, गाजर रहेगा, पत्ता गोभी रहेगा, हाँ, गाजर भी रहेगी ना इसमें? वही मतलब एकदम ऑथेंटिक आप जो मोमोज की जो स्टफिंग होती है वही आप सर्व करें यहाँ पे। चलिए इसके अंदर वैसे इसमें खोल के दिखाओ, वैसे इसमें है अंदर कुछ? ये देखिए इन्होंने मोमोज इनके हैं यहाँ पे ऑलरेडी स्टीम किए हुए उन्होंने, देखिए क्या बात है, थैंक यू भाई साहब। ये देखिए तेल गर्म हो गया और ये हमारे मोमोज इसमें चले गए। एक प्लेट में कितने आएंगे भाई साहब? एट पीसेज आएंगे। 100 रुपये का है ना ये? 70 के, 70 में 100 पीसेज आपको, वो तो जो है वो 100 रुपये में तो कुरकुरे मोमोज हैं। क्या बात है, ऐसी ज़बरदस्त वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप क्लब समोसा जोधपुर में खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ कोको सिटी पे आना पड़ेगा, जो कि चौपाशनी हाउसिंग बोर्ड पे लोकेटेड है। तो 70 रुपये में आपको 100 मोमोज नहीं मिलेंगे, वो तो देखने वालों में भी अकल है, हम लोग आप 5 मोमोज देंगे। 100 रुपये में मिला बोलने का कुछ नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन वो तो आप सबको, आप सब समझदार हैं कि मेरे कहने का क्या मतलब है। ये हमारे क्या जो कैमरामैन है वो सब हमको गाइड करते रहते हैं कि आपने क्या क्या बोला है, तो उससे क्या है कि मुझे पता चल जाता है मैंने कहाँ पे गलत बोला है। ये देखिए ये हमारे मोमोज हो गए। ये वैसा बता दूँ ना, कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं यार। और देखो ये भी हेल्थ का ही पूरा ध्यान रख रहे हैं, इन्होंने टिश्यू पेपर से जो एक्सेस जो तेल था वो पूरा सोकअप कर लिया, ताकि कुछ भी ज़्यादा तेल आपको कंज्यूम नहीं करना पड़े। कौन सा पेरी पेरी डाल दो यार, लेमन तो हो गया, पेरी पेरी। अच्छा ये भी आपके पास ऑप्शन है? किस कितने टाइप के हैं आपके पास मसाले? सर 4 टाइप के। 4 टाइप के, एक तो पेरी पेरी हो गया, एक लेमन हो गया, और लेमन हो गया, एक चाट मसाला हो गया, चाट मसाला हो गया, और एक एक और लेमन लेमन सर। ये कैजुअल क्या? कैजुअल कैजुअल ये हाइनीस। शेजवान सॉस, ये शेजवान सॉस आप खुद ही बनाते हैं? होममेड है, सारी टेस्ट करके देखा। क्या बात है यार, जबरदस्त है, कलर देखो यार मोमोज का जबरदस्त। चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो यार एक नंबर था, और मैं सारे सब्सक्राइबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक बार यहाँ ज़रूर विजिट करना है अगर आपको डिफरेंट टाइप का समोसा ट्राई करना है, जो कि ये छोलों के साथ में सर्व करते हैं। अब बारी है इनके जो स्टीम मोमोज उसकी है, देखते ये ट्राई करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इनकी जो शेजवान चटनी ना वो भी मुझे अलग टाइप की लग रही है, इसको ट्राई करते हैं। ऑथेंटिक शेजवान चटनी है, जो गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो वाकई में काबिल तारीफ है। और अंदर जो उन्होंने जो पनीर टोफू और कैरेट और बीन्स ये सब जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है
उससे एकदम ऑथेंटिक जो मोमोज होते हैं ना उसका टेस्ट मुझे आ रहा है। वाकई में काबिल तारीफ है यार, मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर ट्राई करी और दोनों एक से बढ़कर एक चीज़ थी। मुझे मोमोज भी की जो स्टफिंग है टोटली डिफरेंट है, जो बाकी जगह जो मिलती है उससे एकदम टोटली डिफरेंट है। ऑथेंटिक मोमोज इन्होंने मुझे सर्व किया और शेजवान की चटनी तो एक नंबर है, वाकई में काबिल तारीफ है। चलिए बस इसी के साथ हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।